हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था जो फोर्स है उसके टाइप्स बेसिस ऑन द 11 क्राइटेरिया, और मैंने बोला था कि हम नेक्स्ट टाइम मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फोर डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरी पहले की सीरीज़ नहीं देखी है स्ट्रक्चरल जियोलॉजी की, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। आप पहले वो जाके देखिए और फिर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब करिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। चलिए शुरू करते हैं। इन 1967 रामसे क्लासीफाई फोल्ड इन द मैनर ऑफ वेरिएशन ऑफ स्मॉल टी अल्फा और कैपिटल टी अल्फा इज एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर मैनर ऑफ द वेरिएशन ऑफ डी पाइसोगोन और रेडियाई ऑफ द कर्वेचर ऑफ आउटर एंड इनर सर्फेस। इन 1967 जो रामसे हैं उन्होंने ये क्लासिफिकेशन दी थी फोल्ड्स की इन द मैनर ऑफ वेरिएशन ऑफ स्मॉल टी अल्फा। स्मॉल टी अल्फा है वो ऑर्थोगोनल थिकनेस है, और जो कैपिटल टी अल्फा है वो एक्सियल प्लेन थिकनेस है। ऑर्थोगोनल थिकनेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सियल प्लेन, एंड जो एक्सियल प्लेन थिकनेस है वो ऑलवेज पैरेलल टू एक्सियल प्लेन। इट्स एसोसिएटेड, और इनके हिसाब से जो डीप आइसोगन में जो वेरिएशन आता है उसके हिसाब से, और आउटर कर्वेचर और इनर कर्वेचर का जो रेडियाई है उसके ऊपर से हमें ये क्लासिफाइड करना है, फोल्ड्स का क्लासिफिकेशन करना है। जॉन जी रामसे इन 1967 गिवन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डीप आइसोगन, एक्चुअल प्लेन थिकनेस एंड ऑर्थोगोनल थिकनेस। एक्चुअल प्लेन थिकनेस और ऑर्थोगोनल थिकनेस क्या है मैंने बताया, डीप आइसोगन मैंने पहले की वीडियोज में बताया हुआ है। ओके, तो इसके हिसाब से जो फर्स्ट फोल्ड है वो है क्लास वन फोल्ड। तो क्लास वन डिवाइडेड इंटू थ्री सब डिविजन। क्लास वन इज अ कॉन्वर्जिंग डीप आइसोगोन। जो क्लास वन फोल्ड है वो थ्री सब क्लासेस में डिवाइड हो रखा है। इन दिस क्लासेस रेडिएशन और रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द आउटर आर इज ग्रेटर देन द रेडियस कर्वेचर ऑफ द इनर आर। जो रेडियस कर्वेचर है आउटर आर का वो लार्ज है कंपेयर टू इनर आर। डीप आइसोगोन इज अ कन्वर्जेंट। दी थ्री सब क्लासेस इन दिस क्लास आर 1A, 1B एंड 1C। अब इसमें जो थ्री सब क्लासेस हैं वो है 1A, 1B और 1C। हम पहले देखेंगे 1A। 1A इन दिस फोल्ड ऑर्थोगोनल थिकनेस इज मिनिमम इन हिंजेस एंड मैक्सिमम इन लिम्स। इसमें जो ऑर्थोगोनल थिकनेस है वो मिनिमम रहेगी हिंजेस के ऊपर और मैक्सिमम रहेगी दोनों लिम्स के ऊपर। दिस फोल्ड ऑल्सो कोल्ड सुप्राटेनियस फोल्ड। तो जब भी कभी हमें फोल्ड में ऑर्थोगोनल थिकनेस है वो मिनिमम देखने को मिलेगी हिंज के ऊपर और मैक्सिमम देखने को मिलेगी लिम्स के ऊपर, तो उसे हम 1A फोल्ड कहेंगे या फिर सुप्राटेनियस फोल्ड कहेंगे। जो सुप्राटेनियस नेम है वो नेवी ने सजेस्ट किया था इन 1931। ये डायग्राम देखिए, डायग्राम के ऊपर से आपको ज़्यादा पता चलेगा हिंजिस पे है वो मिनिमम है ऑर्थोगोनल थिकनेस, इसलिए उसका कर्वेचर थोड़ा कम कर्व हुआ हुआ है, देखिए कम कर्व है, और मैक्सिमम थिकनेस है वो लिम्स के ऊपर है ऑर्थोगोनल। ओके, ये डायग्राम में देख सकते हैं आप। और जो सेकेंड है वो है 1B। देखिए ऊपर ऑर्थोगोनल थिकनेस परपेंडिकुलर टू द एक्सियल प्लेन एंड एक्सियल प्लेन थिकनेस इज पैरेलल टू द एक्सियल प्लेन, ये मैंने बताया था। सेकेंड वन इज अ 1B फोल्ड। इन दिस फोल्ड ऑर्थोगोनल थिकनेस इज कॉन्स्टेंट अलोंग द लेयर। फोल्ड के हर एक लेयर पे ऑर्थोगोनल थिकनेस है वो कॉन्स्टेंट रहेगी। ओके, देयर आर द पैरेलल फोल्ड और कॉन्सेंट्रिक फोल्ड। हम इस फोल्ड को पैरेलल फोल्ड या फिर कॉन्सेंट्रिक फोल्ड भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑर्थोगोनल थिकनेस है वो कॉन्स्टेंट है। ये इसका डायग्राम है, इसमें पूरे लेयर्स पे, फोल्ड के पूरे लेयर्स पे जो ऑर्थोगोनल थिकनेस है वो कॉन्स्टेंट रहेगी। थर्ड वन है वो है 1C फोल्ड। इन दिस फोल्ड ऑर्थोगोनल थिकनेस इज मैक्सिमम इन हिंजेस एंड मिनिमम इन लिम्स। जो 1A था उसका अपोजिट है यहाँ पे, मैक्सिमम रहेगी हिंजिस के ऊपर और मिनिमम रहेगी लिम्स के ऊपर। क्या ऑर्थोगोनल थिकनेस? ओके, ऑर्थोगोनल थिकनेस के ऊपर ये डिपेंड्स करता है पूरा 1A, 1B और 1C। और ये 1A, 1B, 1C सब डिविजन है किसका? क्लास वन फोल्ड का। ओके, इसका डायग्राम हो गया। अब हम देखेंगे क्लास टू। क्लास वन देखा हमने, वो पूरा ऑर्थोगोनल थिकनेस के ऊपर डिपेंडेंट था। अब क्लास टू, इन दिस फोल्ड डीप आइसोगोन आर पैरेलल, दिस ज्योमेट्री
डेवलपमेंट ओनली व्हेन एक्चुअल प्लेन थिकनेस इज कांस्टेंट। अब ये ज्योमेट्री कब डेवलप होगी क्लास टू फोर की, जब भी जो एक्चुअल प्लेन थिकनेस है वो कांस्टेंट रहेगी। इज ऑल्सो नोन एज अ पैरेलल फोल्ड, इसको हम पैरेलल फोल्ड के नाम से भी जानते हैं। ये पैरेलल फोल्ड नाम किसने दिया था, वैन, इन 1896 वेनिस ने। यहाँ पे ये डायग्राम है क्लास टू फोल्ड का, आउटर एंड इनर आर एग्जैक्टली सेम। इसी वजह से जो डीप आइसोगन है वो पैरेलल है और जो एक्सियल प्लेन थिकनेस है वो कांस्टेंट है। ओके अब थर्ड है वो है क्लास थ्री फोल्ड। इन दिस फोल्ड डीप आइसोगन इज डाइवर्ज टूवर्ड्स द कोर ऑफ द फोल्ड। अब जो डीप आइसोगन है वो डाइवर्ज हो रहा है किस तरफ, कोर ऑफ द फोल्ड। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द आउटर आर इज स्मॉलर देन इनर आर, और जो रेडियस कर्वेचर है आउटर आर का वो स्मॉल है कंपेयर टू इनर आर। ऑर्थोगोनल थिकनेस मैक्सिमम इन हिंजेस एंड मिनिमम एट लिम। अब जो क्लास थ्री फोल्ड है उसमें ऑर्थोगोनल थिकनेस डिपेंड करती है, तो ऑर्थोगोनल थिकनेस है वो मैक्सिमम है ऑन हिंजेस एंड मिनिमम एट लिम्स। इसी वजह से देखिए ये जो हिंजेस हैं वहाँ पे ज़्यादा कर्व है और बीच में ज़्यादा जगह भी दिख रही है, आपको स्पेस ज़्यादा दिख रही है। नोट, कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डिफरेंट। देखिए मैंने जितने भी क्लास वन, क्लास टू और क्लास थ्री फोल्ड करवाया उसमें मैंने रेडियस कर्वेचर की बात की है, सिर्फ कर्वेचर की बात नहीं की है, तो उन दोनों के बीच में डिफरेंस है वो हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ड्राॅइंग दिख रही है आपको, इसमें फोल्ड दिया है, आउटर आर दिया है और इनर आर दिया है। ओके, हियर कर्वेचर ऑफ इनर आर ग्रेटर देन आउटर आर। अब जब हम इस डायग्राम में सिर्फ कर्वेचर की बात करेंगे तो इसमें कर्वेचर है वो इनर आर का जो अंदर की तरफ है बड़ा वाला वो बड़ा है कंपेयर टू आउटर आर। ओके, तो इनर आर इज़ ग्रेटर देन आउटर आर। मगर जब हम रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं तो उल्टा होता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इनर आर आर लेस देन टू आउटर आर। तो जो अंदर का है आर, अंदर का रेडियस है इज लेस देन आउटर आर इन रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अदर इम्पोर्टेंस, सेवरल क्लासिफिकेशंस फोल्ड्स आर देयर बट दिस क्लासिफिकेशन इज डिफरेंट बिकॉज क्लास वन सी फोल्ड एंड क्लास थ्री फोल्ड आर नॉट ऑब्जर्व अनदर क्लासिफिकेशन। अब ये क्लासिफिकेशन इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन है वो वन सी फोल्ड में या फिर क्लास थ्री फोल्ड, ये हमें इसमें ही ऑब्जर्व होता है और किसी भी क्लासिफिकेशन में हमें वन सी या फिर क्लास थ्री फोल्ड नहीं देखने को मिलती है। ओनली रामसे क्लासीफाई आइडेंटिफाई क्लास वन सी फोल्ड एंड क्लासीफाई दिस फोल्ड्स। ओके, क्लास थ्री फोल्ड एंड क्लास वन सी, देयरफॉर मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट। क्लास वन ए फोल्ड आर रेयरली फाउंड इन दिस मिनिमम थिकनेस फाउंड इन हिंजेस। अब जो क्लास वन ए फोल्ड है वो हमें बहुत कम डेवलपमेंट उसका दिखता है, कभी कभी हमें फाउंड होता है, हमेशा फाउंड नहीं होता। अ फोल्ड विच आर नॉट पैरेलल टू जनरली शो द थिकनेस इन हिंजेस, इन केस वी शुड वी सी दैट द इनर आर इज मोर स्ट्रांगली कर्व देन द आउटर आर इन वन सी फोल्ड। तो वन सी फोल्ड में क्या होता है, इनर आर है वो मोर स्ट्रांगली कर्व होता है कंपेयर टू आउटर आर, इसीलिए हम उसको वन सी फोल्ड कहते हैं। इन रिवर्स केस, अब अगर इसका रिवर्स हुआ तो इफ फाउंड द आउटर आर फॉर्म अ शार्प हिंजेस वी आइडेंटिफाई द फोल्ड एज क्लास थ्री फोल्ड, वो भी हमने देखा। इफ द आउटर आर एंड इनर आर लेस और मोर सिमिलर, आउटर आर और इनर आर लेस और मोर सिमिलर, वी शुड दी कंसिडर द पॉसिबिलिटी दैट द फोल्ड मे बी सिमिलर और कोल्ड क्लास टू फोल्ड। इसको हमने क्या बोला है, क्लास टू फोल्ड, उसमें क्या होगा, आउटर आर और इनर आर मोस्टली सिमिलर मोर और लेस। रामसे क्लासीफायर इज करंटली यूज, इट हैज़ सेवरल एडवांटेज ओवर द अर्लियर क्लासिफिकेशन। अब जो रामसे ने ये जो क्लासिफिकेशन दी है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वो इसीलिए ज़्यादा यूज़ होती है क्योंकि उसमें जो फोल्ड्स के टाइप्स है वो कुछ क्लासिफिकेशन में नहीं है। द अर्लियर क्लासिफिकेशन बाय वैन हाइस इन 1896 ओनली कंसिडर टू फोल्ड टाइप, द पैरेलल एंड द सिमिलर, उसने टू ही फोल्ड्स के जो टाइप है वो कंसिडर किए थे। द टाइप ऑफ द क्लास वन सी एंड क्लास थ्री फोल्ड आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी अर्लियर क्लासिफिकेशन,
और इसी वजह से जो राम से है उसको मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देना पड़ा क्लास 1C और क्लास 3 फोल्ड को इंक्लूड करने के लिए. इन राम से क्लासिफिकेशन द मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस अमॉन्ग द फोल्ड ऑफ सम क्लासेस कैन बी क्लियरली ब्रॉट आउट बाय प्लॉटिंग ईच फोल्ड. तो हमें क्लासिफिकेशन है जो मॉर्फोलॉजी का वो डिफरेंट है, अलग अलग है कुछ दूसरी क्लासिफिकेशन से. अ क्लासिफिकेशन इज नॉट आर्बिटरी. 1A फोल्ड आर रेयरली फाउंड. मैंने ये पहले भी बताया कि 1A फोल्ड है वो हमें रेयरली फाउंड होता है. इन द पैटर्न लेयर क्लास 3 फोल्ड अपीयर इन अ कॉम्पिटेंट लेयर 1C एंड 1B फोल्ड. अब जो 1C और 1B फोल्ड है वो कॉम्पिटेंट लेयर रॉक है उसमें फॉर्म होगा. कॉम्पिटेंट मतलब जो स्ट्रेच हो सकता है, और जो बाकी के फोल्ड्स है वो इनकॉम्पिटेंट लेयर में फॉर्म होते हैं. अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बकल फोल्ड इन सिंगल लेयर एंड मल्टी लेयर. अब हमें आगे देखना है कि ये बकल फोल्ड क्या है, उसके टाइप्स कितने हैं. ओके, तो ये जो बकल फोल्ड्स वगैरह है ये मेन फोल्ड टाइप है, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम ये देखेंगे. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी. आई होप आपको सारे टॉपिक समझ में आ रहे होंगे. जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को. थैंक यू.